Hello, good morning students. A standard 2, part 1, semester 2, chapter 17, सामान्य इतना general knowledge. मैं जो भी आपको समझाऊंगी वो आप नोटबुक में पहले लिखेंगे, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक में लिखाऊंगी. ओके, हमें हिंदी में जनरल नॉलेज जानना है कि जो हम इंग्लिश में सीख चुके हैं वो हिंदी में उसे क्या कहते हैं. ओके, तो हमें पता है इंग्लिश में कि काउ, बफेलो एंड गॉड की वोमेन, हमें गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं, जो हिंदी में उसे कहते हैं. ओके, उसके बाद है हमें पानी कहाँ से मिलता है. पानी आप लोग कहाँ से लाते हो, आपको तो आपके घर से ही मिलता है, लेकिन वो पानी कहाँ से आता है, नदी, कुआं और तालाब में से पानी आता है. उसके बाद आप लोगों ने फल कौन कौन से खाए हैं, केला, चीकू, सफरजन, वो सब आपको पता है ना, फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, उसको हिंदी में अभी कौन कौन से फ्रूट आते हैं वो सब हमें लिखना है. ओके, चलो अभी पहले नोटबुक में लिखेंगे. सबसे पहले नोटबुक में ये चैप्टर 17 सामान्य ज्ञान लिखना है, उसके बाद मैं क्या लिखवा रही हूँ वो आपको लिखना है. गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, नदी से हमें पानी मिलता है. पानी मिलता है, ओके? चलो इतना लिख दो. फलों के नाम लिखो, आपको इंग्लिश में और गुजराती में तो पता ही मुझे फलों के नाम, अभी हमें हिंदी में लिखना है. सफल जो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कहते हैं सेब, फिर ऑरेंज को कहते हैं संतरा, कैरी यानी क्या, मैंगो को कहते हैं आम,
केला, ऑरेंज को संतरा, सॉरी संतरा आ गया, केला संतरा और चीकू, फिर अनानास, दाड़ को कहते हैं अन्ना, बॉम्बे कहते हैं चलो इतने फलों के नाम लिख दो। चलो हो गया ना अभी टेस्ट बुक निकालो वो पेज नंबर 31। खाली जगह में सही है या गलत उसका निशान लगाना है। सबसे पहले है क्या भैंस फल है तो नहीं है तो उसके क्या करना है रॉन्ग। क्वेश्चन वन। फिर सेकेंड कुआ पानी, कुएं में से हम पानी मिलता है यस, तो यहाँ क्या विचार है केला, केला क्या फल है ये, तो यहाँ क्या करना है राइट। फिर है बकरी, बकरी दूध देती है
इस बुक में आपने देखा उसके पहले हमें जो दिखाया है बड़ो और समझो दूध का ड्रॉ किया हुआ है और फिर गाय भैंस और बकरी दिखाया गया है। मतलब गाय भैंस और बकरी तीनों हमें क्या देती है? दूध देती है। फिर पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? नदी कुआ और तालाब में से। और चीकू केला और संतरा क्या है? फल। समझ में आ गया? चलो अभी क्वेश्चन टू लिखेंगे। खाली जगह भरो। ये क्वेश्चन नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिख देना, ठीक है?
उसके बाद है क्वेश्चन थ्री, उचित रंग भरो। अभी सबसे पहले क्या है, संतरा है तो संतरा में कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज कलर। फिर बनाना में येलो कलर, और बेल यानी कि कुआ उसमें आपको जो भी कलर करना है वो आप लोगों को घर पे करना है। ओके, अभी नोटबुक में सब्जियों के नाम लिख रहे हैं। गोभी यानी कैबेज, भिंडी यानी लाइट स्प्रिंकल, मिर्ची यानी चिली, फूल गोभी यानी फूल लेवर, प्याज यानी ऑनियन, गवार गुजराती में हम कहते हैं ना गोवा पूरी को, फिर टमाटर यानी टोमेटो, नींबू यानी लेमन,
केयर हो, चावल यानी राइस, गेहूं यानी व्हीट और बाजरा, ये अनाज के नाम है। उसके बाद दाल के नाम, बार सब्जियों के नाम, गोभी, आलू, भिंडी, मिर्ची, फूलगोभी, प्याज, कबाड़, टमाटर, नींबू और मटर। अनाज के नाम में क्या क्या है? चावल, गेहूं और बाजरा। और दाल के नाम, मूंग, उड़द और अरहर। ओके, लिख दो अपने नोटबुक में।